आज जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी भाइयों को अलग आदेश। आज हम रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे, मतलब रुद्राक्ष के बारे में, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई शिव के आंसू से, ये तो हम सभी जानते हैं। रुद्राक्ष का प्रयोग जो है वो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते। जनरली आप देखिएगा कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे जेम्स के बदले में आपको रुद्राक्ष पहनने को बोला जाता है, लेकिन रुद्राक्ष का तंत्र में बड़ा महत्व है, इस विषय पे कोई भी बात नहीं करता। आज हम उसी विषय को आगे ले के चल रहे हैं। जैसे कि हम लोग जब भी सटकर्म करते हैं, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण, ठीक है, हर एक कर्म का एक अलग रुद्राक्ष होता है। अगर आप सोचते हैं कि एक पंचमुखी माला से ही मैं मारण भी कर लूँ, मोहन भी कर लूँ, वशीकरण भी कर लूँ, स्तंभन भी कर लूँ, अपनी सुरक्षा भी कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता। जो 14 मुखी रुद्राक्ष है उनका अलग अलग अपना अपना एक पर्पस है, और उस पर्पस के हिसाब से ही आपको रुद्राक्ष को प्रयोग करना पड़ेगा। एक मुखी रुद्राक्ष के देवता शिव है, ग्रह इसका सूर्य है। एक मुखी रुद्राक्ष साधकों को दो कारण से पहनना चाहिए, एक तो ये सिद्धि प्रदान करता है, और दूसरा अगर आप पे किसी भी तरह का तंत्र प्रयोग होगा तो ये उसको आप पे लगने नहीं देगा, तो एक तरह से सुरक्षा के लिए एक मुख्य रुद्राक्ष पहनते हैं। दो मुख्य रुद्राक्ष जो अर्धनारेश्वर जिनके देवता हैं और चंद्र इसका ग्रह है, ये वशीकरण के लिए बहुत लाभकारी होता है। अगर आप दो मुखी माला से, और खास करके नेपाली दो मुखी माला से जो बहुत ही रेयर है मिलने के लिए, अगर दो मुखी माला से आप वशीकरण कर्म करते हैं तो वो बहुत लाभप्रद होता है। पंचमुखी माला से भी लाभप्रद होता है, लेकिन इससे ज्यादा लाभप्रद होगा। तीन मुखी जो होता है उसके देवता अग्नि होते हैं और मंगल इसका ग्रह है। तीन मुखी का अगर आपको प्रयोग करना है तो ये रोग मुक्ति के लिए, अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, ठीक है, या कार्य क्षेत्र में सिद्धि के लिए अगर आप साधना कर रहे हैं, तो आपके लिए दो तीन मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी इसके देवता हैं, बुद्ध इसका ग्रह है। नए नए तंत्र जो करना शुरू करते हैं, मतलब ये खाली खोपड़ी में ज्ञान का भंडार भरता है, ऐसा चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में बोला जाता है। तो इस दानव को उसको धारण करना चाहिए जो नया नया अभी तंत्र में आए हों, ये मतलब एक आपको एक दिव्यता देता है। पांच मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र हैं इनके देवता, ये तो सभी जानते हैं, महादेव के रूप हैं, और गुरु इस रुद्राक्ष के अपने ग्रह हुए, ठीक है। इसको धारण करने से बहुत सारा फायदा है, जितना भी आप तामसिक पूजा करते हैं उसका पाप ये ग्रह नाश कर देता है। जब भी आप तामसिक कोई भी क्रिया करें, मारण मोहन उच्चाटन, जिससे आपको लगे कि किसी की हानि हो रही है, तो उसमें पांच मुखी माला अपने पास ज़रूर रखें। वो किसी भी तांत्रिक कर्म का जो पाप होता है उससे आपको मुक्त करा देता है। और अगर पूरा माला नहीं पहन सकते तो कम से कम तीन दाना आप ज़रूर पहनिए, ये अपना काम करके दिखाएगा। छः मुखी माला इसके देवता कार्तिक और गणेश होते हैं, शुक्र ग्रह से, मतलब शुक्र ग्रह के लिए ये प्रयोग होता है। छः मुखी बड़ा उपयोगी है, क्योंकि ये जो बौद्धिक शक्ति वाला जितना भी तंत्र है उसमें ये सफलता दिलाता है। और अगर आप नील तारा का की साधना कर रहे हैं तो भी ये बहुत ही उपयोगी रुद्राक्ष है आपके लिए। अगला रुद्राक्ष जो है सात मुखी रुद्राक्ष है, जो माँ लक्ष्मी के लिए है। ये नीलम का भी सब्स्टिट्यूट होता है, और शनि देव जो है इस पर विराजते हैं, ये शनि ग्रह के लिए है। ये तांत्रिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण माला होता है सात मुखी रुद्राक्ष, और देवी सिद्धि अगर आपको कैसे भी प्राप्त करनी है तो उसके लिए इस माला का आपको प्रयोग करना चाहिए, इससे दैविक शक्तियाँ आपको बहुत जल्दी में प्राप्त होती हैं। अगला रुद्राक्ष है आठ मुखी रुद्राक्ष। आठ मुखी रुद्राक्ष महासेन गणेश या बटुक भैरव के लिए प्रयोग होता है, राहु इसका ग्रह है। इसको बाजू में आपको हमेशा पहन के रखना चाहिए जो भी अपने साधक हैं, और जो भी ऐसी शक्तियां हैं जो कि दिखती ना हो या जो शरीर धारण नहीं करती हैं, ऐसी सैतानी शक्तियों से ये आठमुखी रुद्राक्ष आपकी रक्षा करता है।
आठ मुखी के बाद आता है नौ मुखी रुद्राक्ष, माँ भगवती का रुद्राक्ष है, ये सबसे प्रिय है हमारे लिए, और केतु इसका ग्रह है। ये शत्रु नाश, अग्नि, वर्षा, भूचाल, आंधी, किसी भी हिंसक पशु, किसी भी तरीके की ऐसी शक्तियां जो आपको शारीरिक रूप से हानि कर सकती हैं, उनको कंट्रोल में करने के लिए ये रुद्राक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बटुक नहीं काल भैरव की साधना कर रहे हैं तो भी ये रुद्राक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु जी का दस मुखी रुद्राक्ष होता है, इसका कोई ग्रह इस पर काबिज नहीं हो सकता, स्वयं विष्णु जी इस पर क्योंकि काबिज हैं। तो इससे तंत्र मंत्र द्वारा सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, और रोग नाश का अगर कोई आप तंत्र कर रहे हैं उसके लिए दस मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। ठीक है, 11 मुखी रुद्राक्ष जो है वो हनुमान जी का मतलब एकादश रूप का रूप है, इसमें भी कोई ग्रह लागू नहीं होते हैं, लेकिन इसको एक मुखी रुद्राक्ष जितना ही पावरफुल माना गया है। इससे बहुत सारी दिव्य शक्तियां आपको प्राप्त होंगी। इसको धारण करके ही कोई भी तांत्रिक विधि करनी चाहिए, इससे आप हमेशा सुरक्षित रहिएगा। 11 मुखी के बाद 12 मुखी रुद्राक्ष आता है। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो सूर्य का रूप है, सूर्य का रूप है तो भाई हमें तेज देगा। अगर आप वाणिज्य तंत्र सीखना चाहते हैं तो आपके लिए 12 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसी शक्ति जिससे चिकित्सा हो, उस चिकित्सा के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष इंद्रदेव का है, राजाओं के राजा इंद्रदेव। 13 मुखी रुद्राक्ष मतलब ज्ञान, तर्क, शक्ति, आध्यात्मिक या भौतिक समृद्धि के का कोई भी अगर आप उपासना कर रहे हैं तो 13 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अनिवार्य है। अगर आप किसी राजनेता के लिए तंत्र कर रहे हैं तो उनको तो आप खुद तो पहनी ही उस समय उस तंत्र को करते समय, लेकिन साथ में उस राजनेता को भी आपको 13 मुखी रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। अंत में आता है 14 मुखी मतलब देव मणि इसको कहते हैं, हनुमान जी स्वयं इस पर विराजते हैं, कंठ स्वरूप है और इस पे कोई भी ग्रह लागू नहीं होता है। 14 मुखी मतलब सबके मतलब ईष्ट, सबसे ऊपर ये रुद्राक्ष है। कोई भी कर्म कर रहे हैं सिर्फ एक 14 मुखी आप पहन लीजिए तो आपका कार्य जो है पूरा होगा। देखिए 21 मुखी तक मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि शिव पुराण में सिर्फ 14 मुखी का वर्णन है, बाद में जो किताब आई उसमें 21 मुखी तक का है। आने वाले किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए अगर आप तंत्र करते हैं, क्योंकि हर एक अलग अलग कॉम्बिनेशन का अलग अलग रुद्राक्ष अलग अलग प्रयोग में आता है। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे नंबर 9431188585 पर जुड़ सकते हैं, शुल्क 2100 रुपये है। जिनको मेरे आगामी कार्यक्रम के बारे में जानना है, जिनको मेरे शिविर में आना है, वो www.aghortantrahasya.com पर जाते हैं, उसमें डिटेल्स अपडेट्स आते रहते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर, उसमें rudranath@cm4 सर्च करिएगा तो मेरे प्रोफाइल मिलेगा, उस पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। भगवान अघोरेश्वर आप सभी की रक्षा करें ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। भगवान भैरव आप लोगों को धनाढ्य रखे ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।